ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, इसे लेकर पार्टी के तमाम नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के नेता एक बीजेपी सांसद का मामला उछाल रहे हैं। नेताओं के मुताबिक सांसद को 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी की तरह उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई थी। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था, ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कछाड़िया को सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक दलित डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। नारायण भाई कछाड़िया को 13 अप्रैल 2016 को सजा सुनाई गई थी, बाद में 29 अप्रैल को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस संबंध में एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने बताया कि 2016 में अमरेली के सांसद नारायण भाई भीखाभाई कछाड़िया को एक आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, फिर भी उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। अधीर ने चिट्ठी में लिखा, नारायण भाई कछाड़िया को धारा 332, 186 और 143 आईपीसी के तहत एक अपराध का दोषी ठहराया गया था और धारा 332 आईपीसी के तहत 3 साल की कैद और धारा 143 आईपीसी के तहत 6 महीने की कैद की सजा दी गई थी। अधीर ने चिट्ठी में बताया कि हाईकोर्ट ने इस फैसले को सस्पेंड कर दिया था। अधीर ने कहा कि कछाड़िया को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त एक स्पीकर ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। इससे पहले 23 मार्च को मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। राहुल ने इस फैसले को चुनौती दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।